वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू दोस्तों शब्दों के इस सागर में भावनाओं की कुछ माला में आपके लिए पिरो कर लेकर आया हूं किसी ने बहुत किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि कागज की कश्ती थी और नदी का किनारा था कागज की कश्ती थी और नदी का किनारा था खेलने की मस्ती थी दिल ये आवारा था खेलने की मस्ती थी दिल ये आवारा था कहाँ आ गए इस समझदारी की दलदल में कहां आ गए इस समझदारी की दलदल में वो नादान बचपन ही बहुत प्यारा था दोस्तों लोग कहते हैं दिल का डॉक्टर है तो जरूर बातें दिल की ही करनी होंगी लेकिन दिल की बातें ना भी हों तो हमारे दिल को छू जरूर जाए दोस्तों आज से कुछ वर्ष पुरानी बात है आज से कुछ वर्ष पुरानी बात है कि अपने मित्र के साथ मैं कहीं जा रहा था और उसने मुझसे बड़े मुस्कुराते हुए एक प्रश्न पूछा कि दोस्त एक बात बता हाउ मेनी टाइम्स डू वी री इनकारनेट इन अवर लाइफ उसके इस प्रश्न ने मेरे दिमाग के सारे जालों को साफ कर दिया मेरी जिंदगी के तीस वर्ष एक कैमरे की फ्लैश की तरह मेरे आगे निकल गए और थोड़े समय बाद ही मैंने उससे मुस्कुराते हुए बोला कि एवरी टाइम आई 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 थिंक न्यू न्यू क्रिएट अ थॉट इन लाइफ दोस्तों हर एक नया विचार जिसको मैं पानी देता हूं वो मेरी जिंदगी का री इनकारनेशन का एक नया प्रोसेस होता है वो मेरी जिंदगी को एक नया आयाम एक नया दृष्टिकोण देता है अपनी इसी जिंदगी की दो कहानियां आज मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं दोस्तों दीज आर स्टोरीज ऑफ माई होप माई बिलीफ एंड माई ट्रांसफॉर्मेशन दोस्तों ये कहानियां केवल कहानियां नहीं है ये मेरे एक्सपेरिमेंट्स हैं एक पहला एक्सपेरिमेंट जो मैंने अपनी इनर लेबोरेटरी में किया और मेरा दूसरा एक्सपेरिमेंट जो हमने अपनी कोर लेबोरेटरी में किया और इन दोनों कहानियों के द्वारा मैं आज आप सब के आगे एक नया दृष्टिकोण एक नया आयाम दोस्तों प्रस्तुत करूंगा मुझे याद है जिंदगी का वो दिन जिसने मेरी जिंदगी को सदा के लिए बदल डाला 20 मार्च 2003 शाम का समय 6 बजे डेढ़ दिन बाद ऑलमोस्ट अड़तीस केसेस ऑपरेट करके मैं घर पर आया था उस समय हम लोग इसी प्रकार काम करते थे जीवन में थकान थी थोड़ा सा अनयूजल सा महसूस हो रहा था करीब सात बजे मेरी मदर ने मुझे खाना दिया मेरा मन नहीं लगा नहीं खाया मैंने फिर उन्होंने मेरे हाथ में आइसक्रीम दे दी कि बेटा ये तो खाओ साढ़े सात बजे मैंने हाथ में आइसक्रीम ली केवल दस सेकंड के अंदर वो आइसक्रीम मेरे हाथ से गिर गई और मैं फ्लोर पर कोलैप्स कर गया मैं मैसिव सीजर्स थ्रो कर रहा था उन्होंने मुझे लिफ्ट किया हॉस्पिटल में इमीडिएटली इमरजेंसी में ले जाया गया पूरी रात डॉक्टर्स ने मेहनत करी मेरे सीजर्स को कंट्रोल किया अगले दिन मैं आईसीयू में था मुझे होश आया मेरे ब्रेन के स्कैंस किए गए और मेरे ब्रेन में एक बहुत बड़ा मास एक इंफेक्टिव मास पाया गया एक यंग डॉक्टर के लिए ये जिंदगी का अंत था आफ्टर अ ड्रीम रन जिंदगी में जो चाहे जितना चाहे जैसा चाहे और जिस प्रकार से चाहे मुझे सब मिलता जा रहा था लेकिन दिस वॉज प्रैक्टिकली दी एंड ऑफ माई लाइफ दोस्तों डायग्नोसिस हुआ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टूबरकुलोसिस अमेरिका में सैंपल्स गए 19 दवाइयां उस समय इस बीमारी के लिए अवेलेबल थी दोस्तों 18 ड्रग्स के लिए आई वाज रेजिस्टेंट एक इंजेक्शन मेरे ऊपर काम करता था 16 16 टैबलेट्स में रोज खाता था इंजेक्शन जवाब दे दिया तो रोज डॉक्टर आते थे आईवी लाइन लगाकर रोज मेरे को एक इंजेक्शन लगता था 50 मैंने अपनी हियरिंग खोई दोस्तों दर्द होता था लेकिन कभी भी दुख की महसूसता नहीं की बुझते हुआ दीपक लगता था लेकिन कभी भी आशा को मैंने अपने जीवन में दोस्तों खत्म नहीं होने दिया बीस 20 जून 2005 मेरे ब्रेन का ऑपरेशन हुआ आई थॉट एवरीथिंग इज फाइन नाउ परफेक्ट ऑपरेशन कामयाब रहा एंड आई थॉट आई मात्र 6 महीने बाद जनवरी 2006 दोस्तों मेरे ब्रेन के स्कैन जब दोबारा रिपीट किए गए मेरे ब्रेन में एक और लेजन आ चुका था इट वॉज एक्चुअली द एंड ऑफ माई लाइफ मैं सोचता था वॉट विल आई डू दोस्तों वही समय था जब मैंने सोचा कि ओल्ड वेज आर नॉट गोइंग टू ओपन न्यू डोर्स मुझे अपनी जिंदगी में कुछ नया करना पड़ेगा बचपन से ही मेडिटेशन की प्रैक्टिस करता था और मैंने राजयोग मेडिटेशन का एक साल जनवरी 2006 से अभ्यास मूलतः अपने ब्रेन के ऊपर फोकस करते हुए आरंभ किया वन ऑफ द स्पिरिचुअल सीकर्स टोल्ड की यूज पावर ऑफ योर बिलीफ एंड मेडिटेशन ऑन योर ओन सेल्फ दवाइयां खाता था

बोथ वर्किंग एज कॉम्प्लीमेंटिंग इच अदर दोस्तों जहां हम सोचते हैं कि स्पिरिचुअलिटी का अलग रोल है और साइंस का अलग रोल है दोस्तों आई स्टार्ट ब्लेंडिंग बोथ ऑफ लोग कहते थे इससे नहीं होगा यह पॉसिबल नहीं है बट दिस इज दी ऑप्शन वेल इन माई लाइफ एक साल तक दोस्तों मैंने इस चीज का अभ्यास किया एप्रिल टू थाउजेंड एंड सेवन माई स्कैन वर अगेन रिपीटेड

आप सब लोगों के जीवन में भी दोस्तों चैलेंजेस आएंगे आप सब लोगों के जीवन में भी समस्याएं आएंगी उसका मैग्निट्यूड डिफरेंस हो सकता है वो किस व्यक्ति से आती है किस परिस्थिति में आती है ये डिफरेंस हो सकता है दोस्तों छोटी या बड़ी उसका कोई भी साइज हो सकता है लेकिन अगर हमें उस समस्या को जीतना है तो दोस्तों उस समस्या से हमें ऊपर उठना होगा और उससे ऊपर उठने का केवल एक ही तरीका है वो है हमारी मनोस्थिति माय पावर ऑफ बिलीफ माय पावर ऑफ माइंड दोस्तों हमारी बॉडी एक ऑर्केस्ट्रा की तरह काम करती है ट्रिलियन सेल्स ऑफ योर बॉडी आप सब यंग यहां पर बैठे हैं फिफ्टी ट्रिलियन सेल्स ऑफ योर बॉडी ईच सेल इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हर सेल अपने आप में एक सुंदर धुन प्ले कर सकता है इट कैन प्ले अ ब्यूटिफुल म्यूजिक बट दोस्तों जब एक सेंट्रल कमांड जाती है जब एक सेंट्रल कंट्रोल जाता है तो यही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स अपनी इंडिविजुअल इंटेलिजेंस को छोड़कर एक सुंदर सिंफनी को प्ले करते हैं हमारा मानव मन भी दोस्तों इसी प्रकार कार्य करता है वेन अ सेंट्रल कमांड ऑफ माई माइंड फ्रॉम माई सोल फ्रॉम माई बिलीफ सिस्टम इट गोज हील योर दोस्तों एवरी सेल ऑफ अवर बॉडी इट लूजेज इंडिविजुअल इंटेलिजेंस एंड इट क्रिएट्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी

ताकि आपका शरीर शक्तिशाली हो दोस्तों इसी प्रकार आज हम सब लोगों को आवश्यकता है कि वी डू आवर ब्रेन जिमिंग अर्थात वी मेक अवर थाट सो पावरफुल एंड एम्पावर्ड दैट ईच वन ऑफ यू सिटिंग हेयर कैन डिजाइन योर ओन कॉन्शियस फ्यूचर यू आर पावरफुल बींग्स यू आर अमेजिंग इंडिविजुअल हु कैन बाउंस बैक फ्रॉम एवरी सिचुएशन बाय योर ओन थॉट पावर योर ओन बिलीफ सिस्टम दोस्तों So my first message to you today is believe in the magic that you can create. Each one of you is destined for success, is programmed for success. Success is already on its way. It's only your thoughts. It's only your weak mental power that makes you far away from success. You have the power to create magic in your life. It was such a wonderful life. And suddenly, the second incident that happened in my life was on Saturday evening, 2018, November. It was 9 p.m. in the night. We were almost winding the work of my cath lab. And suddenly, there was a lot of noise outside my cath lab, and a young 21 year old boy, a married boy, was brought inside my lab. He was dead. No heart rate, no blood pressure. He was being resuscitated. There was a lot of noise. And when we checked his reports, he had a massive myocardial infarction, massive heart attack. We had nothing to lose. We took him on the table, on the massage, put him on an artificial support system. And ultimately, I operated him almost for an hour. We were able to reopen his artery, see his heart beating again, see his blood pressure picking up, and he was revived. Next day, he was shifted to the ICU in the recovery room.

मैंने कहा आप मेरी विनती उनसे तक पहुंचाइए कि मैं उससे मिलना चाहता हूं उस लड़की को यहां बुलाइए द गर्ल वॉज वाइज वो वहां पर आई दोस्तों मैंने उनको बैठकर बात की जीवन में छोटी छोटी बातें lack of understanding। वो चार्टेड अकाउंटेंट था वो आई प्रोफेशनल थी I counseled both of them. Small misunderstandings was leading to this kind of a situation in their life. मैंने उसे कहा कि आप भले you go ahead with whatever you want, but एक चीज आप मेरे कहने से करिएगा उन्होंने कहा बताइए सर मैंने कहा आप अगले तीन महीने के लिए अपने हस्बैंड को हाथ पकड़ के मेरी ओपीडी के अंदर ट्यूसडे को लेकर आइए केवल तीन महीने के लिए और आपस में एक दूसरे के साथ मेरे कहने से. महीने तक हर हफ्ते अपने हस्बैंड को मेरे पास लेके आती थी आज चार साल हो गए उनकी बच्ची चार साल की हो चुकी है दोस्तों उनके डाइवोर्स पेपर वापस हो चुके हैं

हमने इनके तनाव इनके स्ट्रेस फैक्टर्स को दोस्तों मेजर किया इनको तनाव कितना है और साथ में वी ऑल्सो मेजर जेनेटिक लेंथ यानी इनकी बायोलॉजिक एज क्रोमोजोमल लेंथ कितनी थी रिजल्ट वर रिवीलिंग दोस्तों रिजल्ट में देखा गया इन बच्चों की जो शारीरिक उम्र थी वो थी 18 से 30 साल लेकिन जब हमने इनकी जेनेटिक एज को स्टडी किया इन बच्चों की जेनेटिक एज थी एक साठ से नब्बे साल के व्यक्ति के बराबर देअर जीन्स वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड द सेकेंड क्वेश्चन दैट केम टू माई माइंड वॉज वाई इस हो क्यों रहा है कोई ऐसा रिस्क फैक्टर नहीं है हमने जब उनके साइकोसोशल स्ट्रेस को मेजर किया दीज यंग प्रोफेशनल हु इन देयर लाइफ Six-digit salary, doing, having a good car, a good home, friends. They had highest level of psychosocial stress, anger, lack of love, lack of purpose. That was present in their life. Then I thought, if it is then how does it differ? Isse farak kya hai body mein, we conducted further experiments to see that those people who lack love in their life, who lack purpose in their life.

आज टेक्नोलॉजी बेस्ड दोस्तों हम लोग चलते हैं बट गॉन आर टाइम्स दो इज द टाइम दैट वी शुड इनकलकेट हाई टच इन आवर लाइफ कंपैशन इन आवर लाइफ लव इन आवर लाइफ जॉय इन आवर लाइफ वी शुड लिव अ लाइफ ऑफ पर्सनल फुलफिलमेंट वी आर इन अ फेज ऑफ पर्सनल पेंडेमिक मिसमैनेजमेंट दोस्तों इट्स अ पेंडेमिक जहां सब कुछ होते हुए भी आज हमारी जीवन में दोस्तों सुकून नहीं है इतना सामान हम लोगों ने इकट्ठा किया है लेकिन मैं आप लोगों से पूछता हूं कि जितना सामान हमने इकट्ठा किया है क्या उतना सुकून उतना सुख भी आज हमारे झोले के अंदर है दोस्तों अपने आप से पूछ के देखिए इफ वी वॉन्ट टू लिव अ लाइफ अच इज फुलफिल्ड वी वॉन्ट टू लिव अ लाइफ अच इज फुल ऑफ जॉय एंड प्लेजर दोस्तों वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी नीड टू लिव अ लाइफ ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन दोस्तों इट्स अ जर्नी खुशी एक हमारी डेस्टिनेशन नहीं है दोस्तों जीवन में हर पल खुशी को हमें क्रिएट करना है इट्स ओनली अ मैटर ऑफ अवर चॉइस हम अपने जीवन को दिशा निर्देश किस प्रकार से करते हैं वॉट आर द कॉन्शियस चॉइसिस दैट वी आर क्रिएटिंग दोस्तों आज जीवन जो हमारी जलेबी की तरह उलझ चुकी है वी आर जस्ट स्पायरलिंग अराउंड एंड अराउंड एंड अराउंड और इसमें हम लोग उलझते चले जाते हैं और कभी कभी मैं मजाक में बोल भी देता हूं कि अगर जब हमारी जिंदगी जलेबी सी उलझी चुकी है तो क्यों नहीं चाशनी में डुबकी लगा दी जाए जीवन में कुछ मिठास दोस्तों भर ली जाए <laughs> दोस्तों इस जिंदगी के इस स्पायरल के अंदर जहां हम लोग फंसे हुए हैं इस पायरल का मुख थोड़ा सा घूम दीजिए और डोंट स्पायरल इन योर लाइफ बट माई सेकेंड मैसेज टू यू इज इवॉल्व इन दिस स्पायरल इस जिंदगी के स्पाइरल से बाहर निकलते हुए रहेगा परेशानियां लेकिन जब मन हमारा होता है, तो परिस्थितियां हमारे लिए, ले तो लिए चुनौती का रूप ले लेती हैं दोस्तों लेकिन जब मन हमारा सशक्त होता है तो परिस्थितियां हमारे लिए अवसर का रूप ले लेती है हर परिस्थिति को अपने जीवन में एक अवसर बनाइए हर परिस्थिति हर चैलेंज को अपने जीवन में एक अपॉर्चुनिटी की तरह क्रिएट करिए और एक तूफान की तरह बाहर निकलते हुए अपनी जिंदगी को डिजाइन करिए अपने कॉन्शियस फ्यूचर को दोस्तों क्रिएट करिए दोस्तों अंत में कुछ शब्दों से अपने इस बात को आपके सामने अंत करूंगा दोस्तों किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि हर जज्बात को जिंदगी में जुबा नहीं मिलती हर जज्बात को जिंदगी में जुबा नहीं मिलती हर आरजू को जिंदगी में दुआ नहीं मिलती हर आरजू को जिंदगी में दुआ नहीं मिलती हर जज्बात को जिंदगी में जुबा नहीं मिलती हर आरजू को जिंदगी में दुआ नहीं मिलती मुस्कुराहट बनाए रखो तो दुनिया साथ है दोस्तों आंसुओं को तो आंखों में भी बना नहीं मिलती <गण> दोस्तों जीवन का नाम जीवन का नाम केवल मुस्कुराना है आप सोचो कि कोई व्यक्ति आपके पास कष्ट में आता है कोई व्यक्ति दुखी आता है दोस्तों आपके मन की मुस्कुराहट आपके मन के संकल्प आपके चेहरे की पावरफुल और खुशी जब उस रेगिस्तान रूपी मन के अंदर दो पल खलकती हुई मिठास की देते हैं तो उसके जीवन के अंदर तो दोस्तों हरियाली आ जाती है उसका मन सुकून से भर जाता है और यही जीने का सच्चा नाम है दोस्तों अगर आज आप अपने भविष्य का निर्माण करना चाहते हो तो समय आज है दोस्तों आज एक बात सदा अपने जीवन में ध्यान रखना मेरे दोस्तों वो है कि आज का ये दिन टुडे इज गोइंग टू बी द फर्स्ट डे ऑफ रेस्ट ऑफ योर लाइफ आपका यह जीवन आपके बचे हुए जीवन का पहला दिन होगा और आप इस जीवन को इस दिन को कितना सुंदर बनाना चाहते हो इसका औचित्य आप होगी आपके अपने ऊपर होगी कि आप अपने भविष्य के ऊपर कैसा निर्माण करते हो अपने भविष्य से क्या निकाल कर लाते हो दोस्तों एक बार ये कुमार ने बहुत सुंदर चिलम बनाई और उसने उस चिलम को तोड़ दिया और उस वो मिट्टी उससे बोली कि कुमार तूने इतनी सुंदर चिलम बनाई और तूने उस चिलम को तोड़ क्यों दिया तो कुमार बोला कि माटी मेरा मन बदल गया अब मैं चिलम नहीं बनाऊंगा अब तो मैं एक सुराही बनाऊंगा तो मिट्टी उससे मुस्कुराते हुए बोली कि हे कुमार तेरा तो मन बदला मेरी तो किस्मत बदल गई उसने कहा ऐसा क्यों बोलते हो तो मिट्टी उससे बोली कि कुमार तू पहले चिलम बनाता तो मैं खुद भी जलती और औरों को भी जलाती अब तू सुराही बनाएगा तो मैं खुद भी शीतल रहूंगी और औरों को भी शीतल डाल दूंगी <laughs> दोस्तों क्रिएटिंग योर ओन कॉन्शियस फ्यूचर आपके भविष्य का निर्माण आप सबके हाथ में है दोस्तों जब आपका संकल्प चेंज होता है वेन योर थाट्स चेंज आपकी दृष्टि चेंज होती है जब आपकी दृष्टि चेंज होती है तो आपकी कृति चेंज होती है आपकी वाणी चेंज होती है आपकी संस्कृति चेंज होती है और जब आपकी संस्कृति चेंज होती है दोस्तों तो आपकी सृष्टि भी चेंज हो जाती है दिस इज वॉट इज क्रिएटिंग अ कॉन्शियस फ्यूचर शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद